और बाकी साथियों अब आती है एसी और डीसी। विद्युत धारा जो है ना साथियों दो प्रकार की होती है, ठीक है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा ने दो बेटे पैदा किए, ठीक है, एसी और डीसी, एसी और डीसी। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां पर मैंने वीडियो बना रखा है आपके लिए भी, ठीक है। तो साथियों यहां पर एसी जो है ना, एसी, एसी की फुल फॉर्म, एसी, एसी की डिफिनेशन हमें याद रखनी होती है। सबसे पहले तो एसी की जो फुल फॉर्म होती है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं साथियों। और एसी को हम प्रत्यावर्ती धारा भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा भी हम इसे कह सकते हैं साथियों, प्रत्यावर्ती धारा हम इसे कह सकते हैं एसी को, और हम इसे अल्टरनेटिंग करंट भी कह सकते हैं। शॉर्ट में हम इसे एसी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एसी कहते हैं साथियों। एसी की एक बहुत बड़ी समस्या भी है और बहुत बड़ी है हमारे पास इसका एक गुण भी है साथियों। एसी क्या होती है साथियों, बिल्कुल यहाँ पर इस प्रकार से चलती है, एसी इस प्रकार से चलती है। मतलब साथियों एसी जो होती है ना, अपना मान और परिवर्तन, ठीक है, मान और दिशा, देखिए मान ये चेंज कर दिए, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ये 270 डिग्री है, 270 डिग्री है। तो साथियों देखिए जैसे जैसे देखिए ऊपर एसी बढ़ रही है तो ये 90 डिग्री की ओर जा रही है, तो 90 डिग्री की ओर जा रही है तो शायद ये 85 पर भी गई होगी और ये 75 पर भी गई होगी और ये 60 पर भी गई होगी। तो यहाँ से मैं क्या देखने को मिला कि सर इसने अपना मान चेंज किया, मान चेंज किया, पहले एक पे थी, फिर दो पर गई, तीन पर गई, चार पर गई, ऐसे कर करके ये 90 पर पहुंची, ठीक है, 180 पर भी जाएगी, 270 पर भी जाएगी। तो यहाँ पर इसने अपना मान चेंज किया, लेकिन डेफिनेशन में ये दिखा रखा है कि मान और दिशा दोनों चेंज जो करती है वो एसी होती है। तो यहाँ पर एसी देखिए, मान तो इसने चेंज किया, अभी ये दिशा भी चेंज करने लगी, पहले ये प्लस में चल रही थी, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ना ऊपर वाला प्लस का होता है, नीचे वाला पार्ट माइनस का होता है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट माइनस का होता है। अभी देखिए प्लस 180 के बाद ये माइनस में जाने लगेगी, तो इसने क्या किया, मान भी चेंज किया भाई और दिशा भी चेंज की, पहले प्लस में चल रही थी, माइनस में चली गई, तो दिशा अपने आप चेंज हो गई, ठीक है। तो साथियों एसी क्या होती है, एसी मान और दिशा दोनों चेंज करती है, लेकिन साथियों जो एसी होती है ना, एसी हम इसको तारों की सहायता से ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं, तारों की सहायता से ज़्यादा दूर तक ले जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जाती है टहलती टहलती, ऐसे आराम से टहलती टहलती आगे बढ़ती है, बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो जो टहलता टहलता आगे बढ़ रहा है ना, वो बहुत ही दूर तक जा सकता है। ये तो आप भी मानते हो, एक बार आप दौड़ कर देखना, 100 मीटर से ज़्यादा आप नहीं दौड़ पाओगे, 100 मीटर भी क्या पता, बहुत ज़्यादा बोल दिया होगा मैंने तो, ठीक है, एक बार आप दौड़ के देख लेना। तो क्या है कि हम ज़्यादा देर दौड़ नहीं पड़ते, लेकिन जब टहलते टहलते जाएंगे ना तो हम काफ़ी दूर तक जा सकते हैं। ये हमारा भी गुण है और यहाँ पर ये इसका भी गुण होता है, तो हम इसीलिए इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। साथियों भारत में जो है ना, भारत में एसी जो है ना प्रयोग की जाती है सभी घरों में, एसी लैंप जो अब जितने भी लैंप आप देखते जलते हुए सभी एसी से चल रहे हैं। साथियों जो भारत के अंदर फ्रिक्वेंसी होती है ना, फ्रिक्वेंसी का मतलब साथियों ये एक फ्रिक्वेंसी है, जो आपके सामने ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक बार प्लस में गई और एक बार माइनस में गई, ये 360 डिग्री का कोण इसने पूरा किया, तो ये एक साइकिल होगी, एक साइकिल होगी। और साथियों इसी एक साइकिल को हम एक फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं, इसी एक साइकिल को हम एक फ्रिक्वेंसी कह सकते हैं साथियों। इसी प्रकार की 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 फ्रिक्वेंसी जब एक साथ चलती है तो हम उसे कहते हैं 50 हर्ट्ज। क्या कहते हैं भाई, 50 हर्ट्ज। और भारत में साथियों 50 हर्ट्ज ही आती है, ये एक हर्ट्ज है। इसी प्रकार की 50 साइकिल एक साथ चलती है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारे भारत में जो है 50 हर्ट्ज आ रही है। अमेरिका में 60 हर्ट्ज आती है, ठीक है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज आ रही है। अब आप कहोगे कि सर नहीं साहब, हमें भी 60 चाहिए, बिल्कुल 60 आ सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कल बना लो 60, आज बना लो 60। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितने भी उपकरण आपने हमने बना रखे ना, ये सभी 50 पर चलने वाले, सबसे पहले इनको चेंज करना होगा, तब जाके हम 60 बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनको चेंज करना होगा, तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं साहब, जो बन चुके तो इसीलिए हम पुराने रीति रिवाजों के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है, चलने दीजिए साहब, वरना कहाँ पर इतना पैसा है, अभी हम ही चेंज करवाएंगे तो काफ़ी पैसा लग जाएगा, छोड़िए इस बात को, ठीक है। तो यहाँ पर 50 हर्ट्ज हमें घरों के अंदर देखने को मिलती है साथियों, ठीक है, घरों के अंदर देखने को मिलती है साथियों। एसी जो उत्पन्न की जाती है 33 केवी तक की जाती है, ठीक है, 33 किलोवोल्ट तक की जाती है, 33 किलोवोल्ट। अब आप कहोगे सर हमने तो 132 भी देखी है साहब, हमने तो 232 भी देखी, हमने तो सारी देखी है, हम तो 33 से भी ऊपर देखी हुए, तो बिल्कुल आपने देखी होगी साहब, मैंने मना नहीं करा। लेकिन साथियों एक ट्रांसफार्मर नाम की युक्ति आती है जो इस 33 केवी को आगे बढ़ाती है, ऊपर करती है, ठीक है, और ऊपर करती है मतलब हाई करती है वोल्टेज को।
लेकिन ये बनाई साथियों 33 तक ही जाती है। इतनी बात हमेशा याद रखना, पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि कितने वोल्टेज तक बनाई जाती है तो 33 kV तक बनाई जाती है, यानी कि 33,000 वोल्टेज तक हमारी एसी बनाई जाती है। समझ में आ गई होगी बात। अभी साथियों यहाँ पर बात आती है दूसरी डीसी की। साथियों अगर ये एसी और डीसी का पार्ट और अच्छे से देखना है तो यहाँ पर आई बटन पे क्लिक कर लीजिए, आपको मैंने अलग से वीडियो बना रखा है आपके लिए, वहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा आपको। अभी साथियों बात आती है डीसी की। साथियों डीसी क्या होता है कि डीसी सिर्फ प्लस में ही चलता है, ये तो ना तो अपना मान चेंज करता है ना दिशा चेंज करता है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ और ये बिल्कुल सीधा चला जाएगा, ठीक है, कोई मान दिशा चेंज नहीं कर रहा। मतलब देखिए जो डीसी है ना, डीसी इस प्रकार से निकलता है, ये गया साहब। कुछ दिखा आपको? मुझे भी नहीं दिखा, मुझे भी नहीं दिखा। तो यहाँ पर डीसी बहुत ही स्पीड से चलता है, और जो चीज़ बहुत ही स्पीड से चलती है ना वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, धीरे धीरे चलिए तभी सफलता तक पहुँचेंगे। अगर एकदम से उड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं नहीं जाओगे, बिल्कुल डीसी की तरह। डीसी रुक जाती है साहब, डीसी रुक जाती है। बीच बीच में बूस्टर की आवश्यकता पड़ती है, मोटिवेशन की आवश्यकता होती है। जो बूस्टर होता है ना इसके लिए जो बूस्टर लगाया जाता है कि ये उसको और पावरफुल, बीच में और पावरफुल बनाया जाए और फिर आगे चलती है ये। तो जैसे कि हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि हम फिर थक कर बैठ जाते हैं, फिर हमें मोटिवेट किया जाता है, फिर हम थोड़ी दूर चलते हैं, फिर हम थक कर बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी दूर चलते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि इसको फिर थोड़ी दूर चलती है, फिर इसको बूस्टर लगाया जाता है, फिर थोड़ी दूर चलती है, फिर बूस्टर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ये आगे चलती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो हमारा डीसी है ना, इसका प्रयोग हम बहुत ही कम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में ज़्यादा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में बहुत छोटी छोटी दूर की है दिशा जो है, जो मान, जो मार्ग है वो तय करते हैं, बहुत छोटे छोटे मार्ग। तो यहाँ पर साथियों हम इसका प्रयोग कम करते हैं, इसका प्रयोग कम करते हैं, लेकिन करते तो है तो विद्युत धारा, तो पढ़ना तो इसको भी पड़ेगा साथियों। इसके अंदर सबसे पहले तो एक पॉइंट तो वैसे ही कम हो गया, फ्रिक्वेंसी कुछ नहीं होती इसके अंदर, हटर्स वगैरह कुछ नहीं होती। लेकिन साथियों ये जो बनाई जाती है ना, 650 वोल्टेज तक ये बनाई जाती है, ठीक है, 650 वोल्टेज तक ये बनाई जाती है। इसको अप करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, और इसको डाउन करने के लिए साथियों प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई एसी की और डीसी की बात, ठीक है, एसी की और डीसी की बात हो गई। अब साथियों बात आती है विद्युत धारा के प्रभाव।